हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे दिल्ली एमटीएस भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एमटीएस की भर्ती निकली उसका फाइनल कटऑफ दिल्ली में कितना जाएगा, उसी के ऊपर हम इस चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। काफ़ी लोग जो हैं, जब से टायर टू का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद से एक ही क्वेश्चन किए हैं, सर एमटीएस का दिल्ली का कटऑफ कितना होगा। क्योंकि पता है दोस्तों आपको, सभी राज्य का कटऑफ अलग अलग आने वाला है और काफ़ी लोग जो है इस चिंता में हैं। तो दोस्तों, हमने इसके लिए क्या किया, सभी स्टेट्स का जितने हमसे पॉसिबिलिटीज़ हो चुकी है उन सभी में हमने जो है पोलिंग करवाया और अपना जो कटऑफ का जो सर्वे किया है उसके बाद हमने इस वीडियो को बनाया, ताकि आपको पता चल सके कि सर्वे में जो हमें 4,000-5,000 स्टूडेंट जो हमें पोल में जो है वोट कर रहे हैं, कितना कमेंट्स कर रहे हैं, उन सभी को जो है हम एनालिसिस करके, वो डेटा कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप दिल्ली से हैं और आपने दिल्ली चूज़ किया है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देर ना करते हुए। सबसे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म आता है या नया कटऑफ आता है या फिर नया एडमिट कार्ड आता है, कोई भी नया सरकारी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, तो हम उसके जो नोटिफिकेशन का वीडियो है वो आपके लिए लेकर आते हैं स्मार्ट नौकरी चैनल पे। और साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे आपको देते हैं स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको करना होता है स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद आप हमें कर सकते हैं मैसेज या मेल, उसके बाद हम आपको स्टडी मटेरियल दे देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, जो भी आपको रिलेटेड एग्जाम से है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। सबसे पहले जनरल से स्टार्ट करेंगे हम कि जनरल की कटऑफ दिल्ली में कितनी जा सकती है। तो जनरल वालों के लिए कटऑफ देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कितना स्टूडेंट्स जो हैं पास हुए हैं। तो सबसे पहले तो 8,655, जी हाँ दोस्तों 860 जो आपका है 8,655 इतने बच्चे जो है टायर वन के लिए सेलेक्ट हुए थे एलिबल। उसके बाद दोस्तों आपको पता है टायर टू के लिए सभी लोग के लिए 100% किसी भी एग्जाम में प्रेजेंटी नहीं होती, यानी अटेंडेंस 100% नहीं होता। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 90 से नीचे का जो है परसेंटेज जो था वो था आपका अटेंडेंस का। तो यानी कि अगर हम अप्रोक्सीमेटली माने तो 85% आपका जो है अटेंडेंस रहा सेकेंड टायर के लिए। तो उसके बाद हम बात करें दूसरा जो पॉसिबिलिटीज़ है कटऑफ कम जाने की, वो ये रहती है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने के लिए एमटीएस वन टायर का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद वो टायर टू में बैठते नहीं। काफ़ी लोग हैं जो दूसरे जॉब्स के लिए जा चुके रहते हैं। तो इस प्रकार जो है कटऑफ जो है जो हाई जारी रहती है उससे कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी सेम कुछ इसी प्रकार का हमें डेटा मिला है एनालिसिस करने के बाद जो आपने सर्वे में बताया है। तो यहाँ पे जो कटऑफ जा रही है अनरिजर्व की, वो जा रही है दोस्तों 73 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी मार्क्स हैं, उन सभी का औसत हमने जब निकाला तो सबसे ज़्यादा जो सटीक नंबर आ रहा है वो 73 पॉइंट में है। पर आप एक 73 का आंकड़ा हम आपके लिए लेकर आए कि 73 मार्क्स के आसपास में अगर आप हैं और दिल्ली से आपने फॉर्म भरा है तो दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन होना लगभग पक्का है। अब बात करेंगे हम ओबीसी की, तो अदर बैकवर्ड क्लास में अगर बात करें तो अदर बैकवर्ड क्लास में भी यहां पर जो है कटऑफ, पहले हम बात कर लेते हैं कितने लोग पास हुए थे। तो 6,375 पीपल्स जो है यहाँ पे एलिजिबल हुए थे, और इसके बाद यहाँ की जो कटऑफ गई थी वो 70.86 गई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ 70.86 गई थी यहाँ पे टायर वन की कटऑफ। बट जो डेटा हमें मिला है फाइनल सिलेक्शन के लिए वो दोस्तों यहाँ पर आपकी आ रही है 69। जी हाँ दोस्तों, 69 मार्क्स जो है आपका कटऑफ है। यहाँ पे कटऑफ थोड़ा और कम जा रही है दोस्तों, बिकॉज ऑफ कि जो मैंने आपको रीज़न पहले ही बता दिया अनरिजर्व में, कि यहाँ पे भी अटेंडेंस जो है 100% नहीं थी। कटऑफ जो हायर स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए बैठते हैं और जो दूसरे एग्ज़ाम्स में चले जाते हैं। तो 69 मार्क्स जो है आपका सर्वे के बाद आपका जो दिल्ली का कटऑफ जा रहा है वो है 69 मार्क्स। अब बात करते हैं हम अपने एससी की, तो एससी में अगर बात करें तो एससी की कटऑफ जो जा रही है शेड्यूल कास्ट की, तो सबसे पहले बता दूं यहाँ पे 585 लोग जो है एलिजिबल हुए थे। 585 लोग एलिजिबल होने के बाद, जी हाँ दोस्तों, 585 के बाद यहाँ की जो कटऑफ गई थी वो गई थी आपकी 74। जी हाँ दोस्तों, 74.82, बट मैं आपको सिर्फ राउंड फिगर बताता हूँ, 74 गई थी। और आप लोगों ने जो हमें कमेंट्स किया और जो भी आपने सर्वे में हमें बताया उसके हिसाब से यहाँ की कटऑफ जाने वाली है 72। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूल कास्ट में दिल्ली में कटऑफ जाएगी 72 मार्क्स के पास। तो दोस्तों अगर आप इसके आसपास में भी हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अपना नाम लगभग आप होप बनाए रखिए, क्योंकि 72 के आसपास जो है कटऑफ जा सकती है। अब बात करते हैं एसटी की, तो शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली में जो है टोटल जो है स्टूडेंट जो पास हुए थे वो थे 1290।
तो 1290 स्टूडेंट्स जो पास हुए थे और यहाँ की जो कट ऑफ थी वो 65.51 थी। तो यहाँ पे जो आपने डेटा हमें दिया है जो अपने सर्वे के माध्यम से, तो सर्वे के माध्यम से तो हमारे पास जो कट ऑफ आई है वो आई है 63। जी हाँ दोस्तों, 63 मार्क्स की कट ऑफ हमें मिली है शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एसटी की, जो आपके सर्वे के आधार पर हमने बनाया है। तो दोस्तों ये रहा आपका टोटल दिल्ली का कट ऑफ। बट अगर कुछ डाउट्स आपको लगते हैं, कुछ ना हो, आप किसी और भी कैटेगरी के, तो आप हमें पर्सनली कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको वहां पे दे दें। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए और साथ ही इस प्रकार के कट ऑफ के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।